राजकुमार सैनी की जींद चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सिरे से खारिज कर दिया है। विज ने कहा है कि चुनाव आयोग जितनी भी फोर्स मांगेगा सरकार उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने दी जाएगी। अनिल विज से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। एवं भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि जींद उपचुनाव में उपद्रव हो सकता है क्योंकि काफी लोग बाहर से आए हैं। सरकार की क्या व्यवस्था है इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इनसे जानते हैं। देखिए ये तो सारा चुनाव आयोग ने देखना होता है और चुनाव आयोग जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो उसका इंतजाम कर लेंगे और कोई किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हालात कोई खराब हो सकते हैं। विषभ, जिस तरह वहाँ कंपेनिंग हो रही है और चुनाव का माहौल काफी गर्म हो गया है तो उसको देखते हुए ही उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो सरकार पुलिस प्रशासन को कोई निर्देश देगी या चुनाव आयोग के आदेशों का इंतजार करेगी? देखिए चुनाव के दौरान सारा जो व्यवस्था को देखना होता है वो चुनाव आयोग ने देखना होता है। चुनाव आयोग जैसे जैसे जरूरत समझेगा सरकार उनको मुहैया करवा देगी फोर्सेस की और किसी भी प्रकार की कोई ऐसा उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। और राजकुमार सैनी जी तो क्योंकि अब उनकी क्या हालत है ये सब जानते हैं, वहाँ पर जो बाय इलेक्शन हो रहा है और बाय इलेक्शन में जो क्योंकि कई कैंडिडेट काफ़ी उससे लगे हुए हैं और छोटा चुनाव होता है तो इसमें लोग ज़्यादा हुआ ही करते हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इनका कहना है कि जींद उपचुनाव में उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा, बाकी जो चुनाव आयोग निर्देश देगा उसकी पालना की जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।